गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा प्रस्तुत पाठ में कि किस प्रकार भगत सिंह के पिता के द्वारा लिखे हुए पत्र से भगत सिंह बड़े दुखी होते हैं और अपने पिता को वह वापस पत्र लिखते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वैसा कार्य न करें। आगे वह कह रहे हैं कि पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे भय है, मुझे डर है आप पर दोषारोपण करते हुए। दोषारोपण का मतलब होता है कि आरोप लगाते हुए, इससे बढ़कर कहीं इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं, क्योंकि वह भगत सिंह के पिता थे और एक पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि अपने मन वचन और कर्म से कभी भी पिता को किसी प्रकार का दुख का अनुभव न हो। परंतु भगत सिंह अपने पत्र के द्वारा उन्हें पर आरोप लगा रहे थे कि आप ऐसा कायरतापूर्ण कार्य क्यों किया, इसलिए वह कह रहे हैं कि आप पर दोषारोपण करते हुए अर्थात आप पर आरोप लगाते हुए तथा सभ्यताओं की सीमा लांघते हुए मुझे डर लग रहा है। सभ्यता कौन सी? वे पिता थे और पिता को झूठा कहना, पिता को कायर कहना, पिता को किसी चीज़ के लिए मना करना हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। पिता ही नहीं, हमसे जो बड़े हैं उन पर हम किसी प्रकार का आरोप लगाएं, ये हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता नहीं सिखाती। इसलिए वह कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उन सामाजिक रीतियों रिवाजों का उल्लंघन न कर दूं। आगे कहते हुए कह रहे हैं, मेरे शब्द ज़्यादा सख्त न हो जाएं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी जो बातें हैं वह साफ साफ स्पष्ट अवश्य कहूँगा। क्यों? क्योंकि भगत सिंह के लिए और दूसरे क्रांतिकारियों के लिए अपने परिवार से बढ़कर देश था, इसलिए वह भगत सिंह न चाहते हुए भी अपने पिता को वह बात कहने को मजबूर हैं जो एक पुत्र को अपने पिता को नहीं कहना चाहिए। आगे कह रहे हैं, यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारों से कम न मानता। क्या कह रहे हैं? देखिए, वो मर्यादा भी रख रहे हैं, अपने पिता का सम्मान भी रख रहे हैं और उन्हें कह भी रहे हैं कि अगर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ये कार्य करता, इस प्रकार पत्र लिखता, तो मैं उसे गद्दार कहता। और एक देश प्रेमी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा है कि उसे कोई गद्दार कह दे, क्योंकि भगत सिंह के पिता भी स्वयं क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिपाही थे। इसलिए वह कह रहे हैं, लेकिन आपके संदर्भ में इतना ही कहूँगा कि ये एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। परंतु किशन सिंह उनके पिता थे, अपने पिता के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना भगत सिंह को उचित नहीं लगता है, इसलिए वे कह रहे हैं कि आपकी कमजोरी है। कमजोरी कैसे? कि एक पिता कभी भी अपने सामने पुत्र को बलिदान होते हुए नहीं दे सकते और वह सबसे पहले अपने सारे कर्तव्य को भूलकर अपने पुत्र या पुत्री के बारे में ही सोचता है, वो किशन सिंह कर रहे हैं। लेकिन भगत सिंह की नज़र में ये गलत है, क्योंकि हम सबका परिवार है ये भारत देश और यहाँ के रहने वाले निवासी। हमारा कर्तव्य सबसे पहले इन भारतीय लोगों का, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों का रक्षा करना है, सम्मान करना है। इसलिए तो कह रहे हैं कि आपका ये कार्य बहुत ही कमजोरी वाला है। ये एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था, इम्तिहान यानी परीक्षा हो रही थी। परीक्षा कैसे? बार बार उन पर अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे। वह चाहते थे कि क्रांतिकारी टूट जाएं और अपनी समा याचना हमसे मांगे, ताकि इनको देख करके दूसरे भारतवासी कभी भी क्रांति की लड़ाई लड़ने की, आज़ादी की लड़ाई लड़ने की हिम्मत ना करें। इसलिए हम भगत सिंह कह रहे हैं कि हमारे परीक्षा का समय, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं, अर्थात आप इस परीक्षा में नाकाम यानी फेल हो गए हैं, आप इसमें सफल नहीं हो पाए। जो अंग्रेजी हुकूमत चाह रही थी वो उनके पिता करने जा रहे थे। अगर भगत सिंह उनके पिता की बात मान लेते और अपनी क्षमा पत्र के माध्यम लिख देते तो अंग्रेजी सरकार उस पत्र को अखबार प्रकाशित करती और सभी युवाओं को संदेश देने की कोशिश करती कि अगर आपने भी ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए भगत सिंह कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा का समय है, आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं। क्या कहना चाह रहे हैं?
मैंने पहले भी कहा है, किशन सिंह खुद भी क्रांतिकारी थे, इसलिए वह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी, इतने कितने जितने भगत सिंह खुद हैं, जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी। अपने पिता से प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आपने अपना पूरा जीवन भी भारत की आज़ादी के लिए लगा दिया है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इस अहम यानी महत्वपूर्ण मुख्य मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, ये बात मैं समझ नहीं सकता। वो ताजुब कर रहे हैं भगत सिंह कि एक देश प्रेमी देशभक्त व्यक्ति होकर के आपने जब आपके पुत्र की बारी आई तो ऐसी कमजोरी क्यों दिखाई। वो कहना चाहते हैं क्या मुझसे पहले यानी भगत सिंह से पहले क्या कोई व्यक्ति, क्या किसी माँ का पुत्र, किसी माँ का बेटा इस देश पे बलिदान नहीं हुआ है? हुआ होगा, तब तो आपने इसे कमजोरी नहीं दिखाई। तो जब हमारी परीक्षा का समय है तो आपको देशभक्ति दिखाने का मौका मिला है, हमारे परिवार को देश की आज़ादी के लिए शहीद होने का मौका मिला है, तो आपने ऐसी कमजोरी क्यों दिखाई? अंत में मैं आपसे और आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके इस कदम को मैं नापसंद करता हूँ। दिलचस्पी का मतलब होता है रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना। तो कहना चाहते हैं कि आप और आपके दूसरे मित्र जो इस मुकदमे में, कौन से मुकदमे में, भगत सिंह को फांसी होगी या सजा माफ होगी, भगत सिंह अपना केस क्यों नहीं लड़ रहे, इन मुकदमे में जो दिलचस्पी लेना चाहता है, रुचि लेना चाहता है, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके इस कार्य को पसंद नहीं कर रहा हूँ और आपके इस कार्य से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं। देखो प्यारे बच्चों, भगत सिंह ने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके थे। जब अंग्रेजी हुकूमत ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप कोई वकील करना चाहते हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मुझे कोई वकील नहीं करना है, मैं कोई वकील नहीं करना चाहता हूँ। और भगत सिंह के पिता ये चाहते थे कि भगत सिंह का भी कोई वकील हो, उनका मुकदमा भी कोई लड़ने वाला होना चाहिए, अदालत में उनका पक्ष रखने वाला भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन भगत सिंह को ये पसंद नहीं था, वे चाहते थे कि वे देश में बलिदान हो जाएं, ताकि उससे प्रेरणा लेकर दूसरे युवा भी इस लड़ाई में आगे आएं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों का ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत के लिए आवेदन को मंजूर कर लेती, तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। क्या कहना चाह रहे हैं वो? वो कहना चाह रहे हैं, भगत सिंह कहना चाह रहे थे कि अगर मैं स्पष्टीकरण के लिए लिखता, मैं और मेरे साथी, स्पष्टीकरण का मतलब होता है सफाई, सफाई किस बात की, कि मैंने जुर्म किया है या नहीं किया है, किस कारण से किया है, ऐसी बातें प्रस्तुत करता और आवेदन को मंजूर कर लिया जाता, तो भी मैं कोई सफाई नहीं देता, अर्थात मुझे अंग्रेजों के आगे झुकना मंजूर नहीं है, चाहे मेरे बलिदान ही क्यों न चला जाए, चाहे मुझे फांसी क्यों न दे दी जाए। ऐसे थे हमारे महान महान क्रांतिकारी भगत सिंह। इसलिए उन पिता से कह रहे हैं कि भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन मैंने दिया था और उन दिनों जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया, क्योंकि भूख हड़ताल जब भगत सिंह के क्रांतिकारियों ने की, उनके साथियों ने की, तो उन्होंने ट्रिब्यूनल को एक पत्र लिखा कि उनके साथियों को सजा न दी जाए, केवल उन्हें ही भूख हड़ताल की परमिशन दी जाए, मंजूरी दी जाए। उनकी इसी बात को उस वक्त के समाचार पत्रों ने और अखबारों में ही प्रकाशित कर दिया गया और ये माना गया कि भगत सिंह अंग्रेजी सरकार से डर करके माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं। इसलिए भगत सिंह को बड़ा दुख होता है और कहते हैं कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा हूँ। किस बात पर प्रस्तुत करना चाहते हैं? जो खबर अखबार में प्रकाशित हुई वह झूठी है, भगत सिंह ऐसा नहीं चाहते, इस पर अपनी सफाई देना चाहते थे, न कि इस बात पर कि उन्होंने जुर्म क्यों किया, उनकी सजा माफ़ की जाए, इस बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते थे। इसलिए कह रहे हैं, आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। किस समय? जब उन्हें सजा दी गई थी, तब उनके मन में जो विचार थे कि वह अंग्रेजी सरकार से क्षमा नहीं मांगेंगे, वही बात उनके मन में आज भी चल रही है।
हॉस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघाती समझे रहे होंगे। किस बात को? जब भगत सिंह के पिता ने पत्र लिखा और जब सबको ये बात मालूम चली। दूसरी, जब उनके स्पष्टीकरण को गलत ढंग से अखबारों ने प्रकाशित किया तो भगत सिंह को लगा कि इन दोनों कार्यों की वजह से उनके जेल में बंद दूसरे साथी उन्हें गद्दार समझेंगे, विश्वासघात समझेंगे। विश्वासघात का मतलब होता है अपने ही देश के देशवासियों को धोखा देना, जो कार्य नहीं करने योग्य वह अपने देश के दुश्मनों के साथ मिलकर वह कार्य करना, अपने देश को हानि पहुंचाने में दुश्मनों का साथ देना आदि बातें विश्वासघात कहलाती हैं। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकेगा। क्यों कह रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में उनको साथियों से मिले बिना ही उन्हें फांसी दे दी जाए या अपने साथियों दूर कर दिया जाए, इसलिए उनके मन में बड़ी पीड़ा है। और अब अपने पिता से कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे अवसर ही नहीं मिले कि मैं अपने साथियों से मिलकर उन्हें समझा सकूं कि मैंने जो कार्य किए हैं वह विश्वासघात नहीं है, बल्कि मैंने देश की सेवा के लिए ही जो कार्य किए। मैं चाहूँगा इस संबंध में जो उलझने पैदा हो गई है उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द चिट्ठी प्रकाशित करें। कौन सी चिट्ठी? वह चिट्ठी जो भगत सिंह अपने पिता को लिख रहे हैं। वह चाहते थे कि इस चिट्ठी का जल्दी से सबके सामने आना जरूरी है ताकि असलियत सच्चाई लोगों को पता चले कि भगत सिंह आज भी वही भगत सिंह है जो जेल में जाने से पहले था। अर्थात वह ना तो अंग्रेज सरकार से डरता है और ना ही अपनी दया याचना अंग्रेज सरकार को देना चाहता है। वह तो एक ही बात जानता है, इस देश पे बलिदान कैसे होया जाए, इस देश के लिए आज़ादी के लिए मर मिटना जानता है, इसके अलावा दूसरी बात नहीं जानता है। प्रिय प्यारे छात्रों, भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी हुए जिनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, चाहे हम रहे या नहीं रहे लेकिन हमारा देश और देश की आज़ादी हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए वह जानते थे अगर वह स्पष्टीकरण नहीं देंगे, अपने पिता की बात को नहीं मानेंगे तब भी उनका फांसी की सजा जरूर मिलेगी या उन्हें कठोर दंड मिलेगा। ये सब जानते हुए अपने पिता को मना कर देते हैं कि उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। ऐसे क्रांतिकारी की वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ादी की सांस इस शहर में, इस गांव में, इस कस्बे में ले रहे हैं। इसलिए इस आज़ादी का हमें भी हाथ दुरुपयोग न कर देश की भलाई में लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करना चाहिए।